When you use the DFN definition tag and closing definition tag, it allows to specify the keyword of the content. तो किसी भी कोई भी डेफिनेशन हम लोग अगर लिखते हैं तो उसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स मतलब कोई एक ऐसा वर्ड होगा, ठीक है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि वो वर्ड अलग से दिखे, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन टैग का यूज करते हैं. तो डेफिनेशन टैग यहाँ पे कैसे लिए हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पी, ठीक है, उसमें एक टेक्स्ट लिखते हैं HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज. और हम लोग ने इस HTML को क्या बनाया है, एक कीवर्ड बना दिया, ठीक है. कीवर्ड कैसे बनाया, हम लोग डेफिनेशन टैग को यूज करके, ठीक है. तो HTML जो है थोड़ा इटैलिक फॉर्म में हम लोग को मिलेगा और ये अलग से दिखेगा. मतलब कोई भी एक डेफिनेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो अलग से हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है. तो साथ ही साथ हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करते जाते हैं तो हम लोग का दोनों चीज क्लियर होती है. हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इस EM टैग को मैं हटा दूंगा और इसके जगह मैं लिखूंगा DFN, DFN, ठीक है. इसका मतलब होता है डेफिनेशन टैग, ठीक है. तो DFN जैसे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ये HTML थोड़ा इटैलिक में, सेम वैसे ही एक हम लोग को मिलेगा. तो इससे क्या होगा कि हम लोग किसी भी डेफिनेशन के कीवर्ड को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है. और भी हम लोग इसमें यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मार्क यूज करते हैं, मार्क भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके साथ में, ताकि हम लोग को टेक्स्ट जो है ज्यादा अच्छे से दिख जाए. तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्क भी कर सकते हैं. तो दोनों चीजें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन टैग ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को किसी भी डेफिनेशन में कोई भी कीवर्ड अलग से हम लोग को यहाँ पे मिल जाए. तो इस टाइप का हम लोग को एक कीवर्ड मार्क कर सकते हैं हम लोग किसी भी एक डेफिनेशन पे. Quoting text. The HTML block quote element shows that the enclosed content in a quoted form from another source. ठीक है, कोई भी एक ऐसा content होगा जिसको हम लोग block quote में लिखेंगे वो एक quoted form में आ जाएगा, मतलब double quotes के अंदर में आ जाएगा. The source URL can be given use the site attribute and the text representation of source can display using site element. ठीक है, साइट हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करेंगे. साइट एलिमेंट के अंदर हम लोग उस कोटेड टेक्स्ट को हम लोग लिखेंगे. तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे इसको लिखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ब्लॉक कोट हमने ऐड किया. इसके अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे साइट. साइट का मतलब क्या होता है कि हम लोग वहां पे एक URL देंगे, ठीक है. URL देंगे इसका मीन्स क्या होगा कि अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं या फिर इस पे जाते हैं तो हम लोग को एक लिंक जैसा मिलेगा. लिंक जैसा कि हम लोग एंकर टैग यूज किए थे उस प्रकार से यहाँ पे लिंक हम लोग को देखने मिलेगा. तो मैं सेम चीज यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, या फिर चलिए हम लोग यहाँ पे एक कोट लिख लेंगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा ब्लॉक कोट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कोट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है. अब इस ब्लॉक कोट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी एक, जैसे मैं यहाँ पे एक बोलता हूँ एनी थिंग विथ इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग, ठीक है. ये एक लाइन मेरा बनाया हुआ है तो मैं इसको लिख लिया, ठीक है. इसको मैंने लिख दिया ब्लॉक कोड के अंदर में, ठीक है. और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा साइट. साइट इक्वल टू मैं कोई भी URL दे दूंगा, ठीक है, कोई भी कहीं का भी URL दे दूंगा. जैसे मान लो मैं ये वाले पेज का URL दे देता हूँ या फिर कोई दूसरे पेज का URL दे देता हूँ, जैसे कि कोई भी हम लोग लिख लेते हैं google.com, इस टाइप से कोई भी हम लोग एक URL दे देंगे, ठीक है, या फिर कोई दूसरे पेज का भी लिंक हम लोग यहाँ देंगे, ठीक है. तो इसी प्रकार का हम लोग ने क्या किया यहाँ पे,
अब यहां पे देखो, इस टाइप का हम लोग ने यहाँ पे साइट दिया है, साइट में यहाँ पे एक लिंक दिया है, ठीक है। लिंक यहाँ पे लिंक इस ब्लॉक कोड के साइट एट्रीब्यूट में हम लोग ने दिया, ठीक है, साइट एट्रीब्यूट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट हम लोग या तो नॉर्मल लिख सकते हैं या तो पैराग्राफ टैग में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ टैग में अगर मैं लिखूंगा तो हम लोग को कैसे देखने मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा, इसको सेव किया और रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा, अब जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ब्लॉक कोड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लॉक कोड्स यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं साइट, साइट एलिमेंट, CIT, ठीक है। साइट एलिमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और जो भी ये कोटेशन कोट्स जो लिखा है उसका यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इस प्रकार का एक साइन बना लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा अपना नाम, ठीक है। इस प्रकार का मैं यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ करूंगा रिफ्रेश, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल कोट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, डबल कोट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अब डबल कोट क्यों नहीं लगा है उसका भी एक कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट नहीं लगने का एक कारण है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, ब्लॉक कोट यूज किया। ब्लॉक कोट अपना एक फॉर्मेट यूज करता है, फॉर्मेट जब यूज करेगा तो वो क्या करेगा, इसको एक थोड़ा सा यहाँ पे वन टाइप स्पेस छोड़ के तो वो दिखाएगा, लेकिन बहुत सारे वेब ब्राउजर जो आज के जमाने के वेब ब्राउजर है, मतलब HTML5 सपोर्टेड वेब ब्राउजर है, मतलब जितने अभी एडवांस वेब ब्राउजर आ रहे हैं उसमें ये चीज सपोर्ट नहीं करता है, मतलब ब्लॉक कोड जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जितने भी आजकल के वेब ब्राउजर यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेंगे, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ये सब जो वेब ब्राउजर है वो HTML5 सपोर्टेड होते हैं, क्योंकि ब्लॉक कोड जो है HTML4 का एलिमेंट है तो ये चीज सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ डबल कोड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा। अगर हम लोग को डबल कोड लगाना है तो हम लोग यहाँ डबल कोड मैनुअली लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोटेशन HTML कोटेशन टैग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओपन होगा और क्लोज होगा, एलिमेंट्स डिफाइंड ए शॉर्ट कोटेशन, इफ यू विल पुट एनी कंटेंट बिटवीन ओपनिंग क्यू एंड क्लोजिंग क्यू देन इट विल एनक्लोज द टेक्स्ट इन डबल कोट्स, ठीक, कुछ इस प्रकार का हम लोग देखते हैं। तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से आउटपुट यहाँ पे देख सकें। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने कोडिंग में, ठीक है। तो ये हो गया है पेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने कोटेशन जो है वो पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का आउटपुट आ रहा है, जैसे कि हम लोग के नोट्स में था वैसे ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्यू टैग हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इफ के पहले ये डबल कोट लग गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग क्यू है और यहाँ पे लग गया है डबल कोट, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कोई भी एक शॉर्ट कोटेशन हम लोग लगा सकते हैं। शॉर्ट कोटेशन कैसे लगेगा, स्मॉल क्यू और क्लोजिंग, ठीक है, स्मॉल क्यू टैग हम लोग यूज करेंगे, कोई भी टेक्स्ट वहां पे देंगे हम लोग तो वहां पे कोटेशन लग जाएगा। कोड टैग्स, द HTML कोड एलिमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कोड
इट विल डिस्प्ले द कंटेंट इन मोनोस्पेस्ड फॉर्म फॉन्ट। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग की कोडिंग होती है, अगर वो कोडिंग हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो उस कोडिंग को भी हम लोग HTML पेज में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कोड को अपने HTML पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी को सेम चीज में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है पैराग्राफ टैग के अंदर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये हमारा हेडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे पी टैग के अंदर हम लोग एक कोड टैग यहाँ पे यूज किए, और कोड टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हम लोग लिख लिए, ठीक है, और इस कोड को क्लोज कर दिए। तो इस का अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट दिखेगा कि ये मोनो स्पेस्ड फॉन्ट में हम लोग को डिस्प्ले होता है। मोनो स्पेस्ड फॉन्ट मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉन्ट होता है जिसमें हम लोग का जो कोडिंग है वो एक सिंपल सा फॉर्मेट में हम लोग को दिखता है। तो इसी को सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने कोड में, और इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे सेव करते हैं और एक बार करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फॉन्ट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये हेडिंग आ गया, मतलब ये वाला फर्स्ट जावा प्रोग्राम। और यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग कोड एलिमेंट यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है, और इस कोड एलिमेंट के अंदर जो भी हम लोग कोडिंग लिखेंगे वो मोनो स्पेस्ड फॉन्ट में हम लोग का यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो मोनो स्पेस फॉन्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है, एक स्पेशल फॉन्ट होता है किसी भी कोडिंग के लिए। इन HTML द कीबोर्ड टैग KBD इंडिकेट्स दैट अ सेक्शन ऑफ कंटेंट इज अ यूजर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, जैसे कि हम लोग Ctrl+C लिखते हैं, Ctrl+V लिखते हैं हम लोग, तो इस प्रकार के कोई भी कीबोर्ड का जो की रहता है अगर उसका नाम हम लोग लिखते हैं अपने HTML पेज में, ठीक है, तो उसको अगर कीबोर्ड टैग के अंदर अगर हम लोग लिखें तो जिस प्रकार का फॉन्ट हम लोग को यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम लोग ने क्या किया, पी पैराग्राफ टैग यूज किया, उसके बाद हम लोग लिखे यहाँ पे प्लीज प्रेस Ctrl+Shift+T, ऐसा हम लोग दिए। तो कंट्रोल क्या है, कीबोर्ड का एक की है, बटन है, ठीक है, तो हम लोग उसको किस में लिख लिए, केबीडी में लिख लिए। केबीडी मतलब कीबोर्ड एलिमेंट है हमारा, ठीक है, कंट्रोल को लिख लिए, फिर उसके बाद प्लस को हम लोग नॉर्मल लिखे, फिर उसके बाद शिफ्ट को भी हम लोग क्या लिखे हैं, केबीडी के अंदर लिखे, ठीक है, फिर उसके बाद टी को भी हम लोग कैसे लिखेंगे, केबीडी के अंदर में लिखेंगे, ठीक है, तो ये जनरली यहाँ पे आएगा ऐसा, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी को सेम कॉपी करता हूँ और अपने कोड में क्या करूंगा, मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे आता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इसको करते हैं सेव और यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, प्लीज प्रेस Ctrl+Shift+T, ये एक अलग फॉन्ट में हम लोग को दिख रहा है क्योंकि हमने इस कंट्रोल को क्या किया है, केबीडी के अंदर में डाला है, ठीक है, शिफ्ट को भी हम लोग इसमें डालें, केबीडी के अंदर में डालें, फिर इसके बाद प्लस हम लोग नॉर्मल लिखें, टी को हम लोग कैसे डालें, केबीडी के अंदर डालें, मतलब कीबोर्ड के जितने भी कीज हैं हम लोग उसको अलग प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं आप, ताकि हम लोग को वो की समझ में आए कि वो किस टाइप का की है। क्या करता है, एन HTML एड्रेस टैग डिफाइंस द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द कंटेंट। द कंटेंट रिटर्न बिटवीन एड्रेस टैग देन इट विल बी डिस्प्लेड इन इटैलिक फॉर्म। अगर हम लोग एड्रेस टैग के अंदर कोई भी एड्रेस हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कोई भी एड्रेस में तो कोई भी कंटेंट, जनरली हम लोग इसको एड्रेस के लिए यूज करते हैं,
तो एड्रेस टैग हम लोग यूज करते हैं किसी भी एड्रेस को लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम वैसे ही लिख लेते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने नोटपैड में जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एड्रेस यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस टैग, यू कैन आस्क योर क्वेरीज बाय कॉन्टेक्ट अस ऑन, और यहाँ पे हम लोग एंकर टैग लगा के एक ईमेल आईडी हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हमने लगाया तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे यू कैन ऑल्सो विजिट एट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ एड्रेस यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक एड्रेस हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ सेव और यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ। जब रिफ्रेश करेंगे तो ये इस प्रकार का शो होगा जैसा कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे वेबसाइट पे एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे एड्रेस टैग का यूज करते हैं और कुछ इस प्रकार का इटैलिक्स में आ जाता है सारा चीज। सारा कैसा आ जाएगा, इटैलिक्स में आ जाएगा, ठीक है। हमने कहीं पे भी इटैलिक टैग यूज नहीं किया, लेकिन हमने क्या लगाया यहाँ पे, एड्रेस टैग लगाया, और एड्रेस टैग के अंदर में हमने ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारा कंटेंट क्या होगा, इटैलिक्स में आ जाएगा। तो ये था फ्रेज टैग, ठीक है। 10 प्रकार के फ्रेज टैग होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ फ्रेज टैग हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है।